हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है घिया और चने की दाल बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं घिया और चने की दाल बनाना। और चने की दाल बनाने के लिए ये हमने एक कटोरी दाल ली है, इसको हमने धो लिया है, भिगोया नहीं है, हमने धोया है इसको। और ये हमने 500 ग्राम घिया ली है और आधा चम्मच जीरा, हल्दी आधा चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच और नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला आधा चम्मच। और ये हमने 3 टमाटर लिए हैं, इनको हमने चॉप कर लिया है। 2 बड़े प्याज लिए हैं, इनको भी चॉप कर लिया है। 2 हरी मिर्च ली हैं, इनको बारीक कट कर लिया है। ये लहसुन की 5-6 कलियां ली हैं, इनको भी हमने बारीक कट कर लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक प्रेशर कुकर लिया है, अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। सबसे पहले मैं इसमें चुटकी भर हींग डालूंगी और ये आधा चम्मच जीरा। जीरा हमारा चटक चुका है, अब मैं इसमें लहसुन डाल दूंगी। लहसुन हमारा भुन चुका है, अब मैं ये प्याज डाल दूंगी। हमारे प्याज अच्छे से मैं इनको भून लूंगी। प्याज को ये हमारे प्याज भून चुके हैं, अब मैं इसमें ये मसाले ऐड कर दूंगी और साथ ही मैं ये टमाटर भी डाल दूंगी इसमें चॉप किए हुए। और इस मसाले को मैं अच्छी तरह से भून लूंगी। फिर मैं ये हरी मिर्च भी डाल दूंगी। मसाला अच्छे से भून चुका है, अब मैं इसमें ये घिया डाल दूंगी और घिया अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसमें ये चने की दाल डाल दूंगी और इसमें मैं 1 गिलास पानी डाल दूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दूंगी और इसे मैं कुकर को मैं बंद कर दूंगी और 4 विशल आने तक का इंतजार। ये हमारे कुकर में 4 विशल आ चुकी हैं, अब हम स्टीम निकलने का इंतजार करेंगे। ये हमारे कुकर की स्टीम निकल चुकी है, हम प्रेशर कुकर को खोलेंगे। ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, अब मैं इसे एक बाउल में सर्व करूंगी। ये हमारी घिया और चने की दाल बनकर तैयार हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।